तो 2 साल से किसने सुध लिए वहाँ, सब जो है अफसर चला रहे, सब नगर सरकारें। राजेश जी, यहाँ पर अब आपका विश्लेषण, क्यों पशुपेश में थी, क्यों धर्म संकट में थी, क्यों दुधारी तलवार बन गई थी प्रणाली, और क्या इन तमाम समस्याओं से निजात पा लिया जो 50-50 का फॉर्मूला लाई है सरकार, क्या कहेंगे राजेश जी? दीपेश जी, बीजेपी ने जो ये 50-50 का फॉर्मूला किया है ये सही नहीं किया है। इसमें देखिए कांग्रेस को कहने का मौका मिल गया कि आप कंफ्यूज हो, और कंफ्यूजन जनता भी सोचेगी जब ऐसा अखबार में पड़ेगी, कल एनालिसिस पड़ेगी उसका, तो उसको भी लगेगा, बहुत सारे एडिटर्स उसके बारे में लिखेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, या तो इस तरफ रहे या उस तरफ रहे, किसी एक तरफ रहना चाहिए था। और जहां तक की जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है वो सबसे अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो आप देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां जहां पे भी है वहां पर एक आदमी की, वो जो मेयर है जिसकी सबसे ज्यादा पावर वैसे भी होती है किसी भी नगर निगम में, उसकी जो इमेज है, उसकी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जबकि अगर अप्रत्यक्ष होता है तो आप देखिए बहुत सारी जनपद पंचायतों में, जिला पंचायतों में ऐसा होता है कि कांग्रेस के ज्यादा चुन के आए सदस्य या बीजेपी के ज्यादा चुन के आए हैं, लेकिन जो अध्यक्ष बनता है उसको बन जाता है, तो अब कई बार निर्दलीय बन जाता है। और जबकि हाँ, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है अप्रत्यक्ष में, और अप्रत्यक्ष से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मतलब होता है, ये मानने वाली बात है। एक और बात है कि जहां तक जो भी प्रणाली हुई है उसमें किसी भी पार्टी को ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर खेल में हम देखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है कि अगर समझ लीजिए पिच खराब है तो दोनों टीम के लिए खराब है, अगर पिच अच्छी है तो दोनों के लिए, अगर धूप धूप ज्यादा है या लाइट ज्यादा है, गर्मी कम है, सर्दी है, जो भी कुछ है, तो दोनों टीमों के लिए बराबर है। तो इसलिए इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, दोनों पार्टियों को अपनी दमदारी से चुनाव लड़ने चाहिए। और क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक तरीके से किसी एक पार्टी को फायदा होगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बीजेपी हमेशा प्रत्यक्ष प्रणाली के पक्ष में रही है और कांग्रेस अप्रत्यक्ष प्रणाली के पक्ष में रही है। दोनों के अपने अपने तर्क होंगे, दोनों पार्टियों ने बहुत मंथन किया होगा, ऐसा नहीं है कि उनमें से कौन गलत है कौन सही है, हम यह नहीं कह सकते। पर हाँ ये है कि प्रत्यक्ष प्रणाली फिर भी ठीक रहती है, कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं होता है। जी तो देखिए वो सीधे सीधे कह रहे हैं लोया जी कि भाई बीजेपी चुनाव से घबरा रही थी, बच रही थी, कंफ्यूज थी, इसीलिए तय ही नहीं कर पा रही थी। और राजेश जी भी कह रहे कि भाई जनता भी कल पूछेगी कि एक जगह सीधे क्यों, एक जगह पीछे के रास्ते से क्यों, तो मतलब कुछ तो एक कारण आप लोगों को जब इतना मंथन किया तो कारण भी सोच लेते कि भाई ये मीडिया में जाकर हमको ये बताना इस लॉजिक के, इस फैसले के पीछे। जी लोया जी, हेलो। हाँ बोलिए। देखिए मैं पूरी बात योगेश जी की पूरी गंभीरता के साथ सुन रहा था, मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी सुन। इस पूरे चुनाव को फंसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कमलनाथ जी की सरकार ने किया। जो चुनाव नवंबर 2019 में था उसे अनावश्यक रूप से टाला गया, फिर इसको 2021 में जब सरकार कराने का प्रयत्न किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, तो कांग्रेस ने इसको वेक डोर से कांग्रेसियों के माध्यम से, परंतु कांग्रेस से बहुत गया। मैं बिल्कुल आपको डाइवर्ट नहीं करने दूंगा मुद्दे को, आप तो सीधा जवाब दीजिए, वो कोई लेना देना नहीं उस चीज से क्या हुआ क्या नहीं, आप तो आज की बात कीजिए। लेना देना है यदि समय पर चुनाव कराया जिस पद्धति से चाहते उस पद्धति से वो करवाते। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इनको करना कुछ नहीं है केवल आरोप लगाना है, इनको करना कुछ नहीं है केवल आलोचना करना है। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि सरकारों को संविधान ने ही अधिकार प्रदत्त किया, वही बात है। राजस्थान में मानने राजी नहीं है, वही बात है महाराष्ट्र में राजी नहीं है मानने, महाराष्ट्र में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो रहा है, परंतु ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ लोया जी कि जब कांग्रेस यही प्रणाली ला रही थी, आप लोग क्या कहते थे, अरे साहब पार्षदों को खरीद करके अपना अध्यक्ष बना लेंगे, अपना अध्यक्ष बिठा लेंगे, जनता का हक मार रहे हैं, यहाँ पर लोगों के थे ना बात। एक परिवर्तन करिए, उसमें सिंबल रहित चुनाव करा रहे थे, तब ये इस बात की आपत्ति थी कि खरीद फरोख्त की संभावना है। अब क्यों नहीं, सिंबल पर जब चुनाव होता है, सिंबल पर जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के आएंगे और उनकी पार्टियों के प्रति प्रतिबद्धता होती है। और हमें ये भय क्यों नहीं है कि हमारा पार्षद बिकेगा, ये भय कांग्रेस को ही क्यों सताता है, क्यों इनकी मन में ये पीड़ा रहती है, ये क्यों समस्या है कांग्रेस की कि इनके साथ लोग साथ छोड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखती है कि वो पार्टी का साथ छोड़कर नहीं जाएगा, पार्टी जो निर्णय करेगी उस निर्णय को वो मानेगा। वो जो निर्दलीय बन जाते थे अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं पे ये विश्वास नहीं कर पाते। सुनिए तो लोया जी, जो निर्दलीय बन जाते थे नगर पालिका नगर पंचायतों में अध्यक्ष, मतलब सीधे सिरे से उन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए
रास्ता साफ कर लिया कांग्रेस बीजेपी ने अपना अपना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखिए मैं आपसे फिर बताऊं, यदि कोई ऐसे वो अपवाद स्वरूप बहुत अच्छे लोग प्रयोग रहते हैं उन्हें कभी कोई नहीं रोक सकता, इसको याद रखिएगा। इसको मैं सहृदयता से स्वीकार करता हूँ कि पार्षद बन पाएगा ना सब, वो चुनाव जीत करके वो अध्यक्ष कैसे बन पाएगा? कांग्रेस बीजेपी के नेता क्यों जाएंगे? उसके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि भाई अपने लिए वो समर्थन जुटा ले। अभी तक तो ये होता था कि जो अच्छा व्यक्ति है जनता चुन करके उसको अध्यक्ष बना देती थी। अरे एक विधायक की पार्टी का जिस देश में मुख्यमंत्री बन सकता है, उसमें क्या हुआ था फिर, वो कहां गया था? मैं तो बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमें संविधान प्रदत्त अधिकार और सबकी सर्वसम्मति के आधार पर हमने ये निर्णय किया है, और जो बेहतर निर्णय हम कर सकते थे वो हमने किया है। और जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो हमारी जवाबदेही मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के प्रति है, और उसके प्रति हम जवाब दें। हमें तो बस अभी तक ये समझ में नहीं आया कि 20 साल से जो प्रक्रिया प्रणाली बड़ी अच्छी लग रही थी वो क्यों बदल दी गई। सवाल मेरा अब भी बरकरार है। योगेश जी एक कमेंट आपका, वो कह रहे हैं कि साहब संवैधानिक अधिकार है, जिस अधिकार का आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया था, प्रणाली आप लोगों ने भी बदल दी थी। और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि भाई वो जो निर्दलीय भी जीत जाता था, अध्यक्ष बन जाता था, उसका हक मार दिया ना सबने मिलकर के। जी अव्वल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं थी कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हो, पहली बात। अब चूंकि गले की हड्डी हो गया, करवाना भी जरूरी था साहब, फिर एक तमाशा शुरू हुआ बैकवर्ड के संदर्भ में, खूब मिठाइयां बढ़ गई, खूब माल्यार्पण हो गया एक दूसरे को, निकला ढाप के तीन पास, भोपाल जैसी जगह में कोई गड़बड़ नहीं हुई ओबीसी का। उसके बाद ये मैसेज गया इंदौर में और 3 सीटें कम हो गई, मैसेज ये गया कि ओबीसी को ठगा गया। अब ले देकर इतनी मेहनत और इतनी कवायद करना रात रात को जगकर सिर्फ इसलिए की गई कि ऐसा ना हो कि जनता का प्रहार हम पर बहुत जबरदस्त तरीके से लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से हर बात में एक कंफ्यूज। और जहां तक आप संवैधानिक बात कर रहे हैं, ये तो संवैधानिक परंपराओं के ऊपर कुठाराघात किया गया, प्रजातांत्रिक प्रणालियों पर। आप कैसा करेंगे कि एक नगर का मतदाता वहां से निकलता है और बोलता है मैं से पार्षद चुनूंगा, और 15 किलोमीटर बाद वो नगर निगम में जाता है तो कहा जाता है कि हम महापौर चुनेंगे। तो एक ही जगह दो मनस्थिति के व्यक्ति भाई भाई भी रहते हैं, तो किन मनस्थिति में ये प्रजातंत्र का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है? चुनौती देने का मन है इस अगर ये अधिसूचना गजट में आती है और इसी प्रणाली, तो कांग्रेस का कोई मन है या फिर वो अपने में ही मगन है? नहीं देखिए, अब वो चूंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो संवैधानिक तौर पर अधिकार नहीं बनता है, लेकिन इतना जरूर होगा कि हम जन जन को जागृत करेंगे कि चौसर की चाल वाले सचेत रहे जो सिर्फ सत्ता को हथियाना चाहते हैं। और ये बता रहे थे कि भाई पार्षद को अधिकार मिले, हम जानते हैं कि ये नीचे के स्तर पर खरीद फरोख कर काम करेंगे, क्योंकि खरीद फरोख में तो पीएचडी हासिल करके बैठे हुए, कैसे 22 विधायकों को खरीदा था इन लोगों ने? तो जब आप लाए थे नियम तब भी वो खरीद सकते थे भाई, उसमें क्या है? नहीं नहीं, अब तो देखिए दूसरी बात है, आज सत्ता का पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। आप एक मजाक नहीं समझते कि गृह मंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं, उसके बाद क्या विधेयक जा रहा है, और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास दूसरी बार क्या पहुंचता है? ऐसा कभी हुआ है क्या इस तरीके का तमाम? आप इसको स्वीकार करेंगे कि ये गरिमामय प्रजातंत्र और प्रशासन की ये कवायद है? कुल मिलाकर तैयार है इसी प्रणाली के साथ चुनाव में जाने को योगेश जी? नहीं, वो तो चूंकि अब जो प्रणाली लागू होगी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, अब शासन है इनका, मतलब आपको भी कुछ नफा नुकसान दिख रहा है, मतलब नफा ही दिख रहा है मुझे लग रहा, तभी कुछ विरोध नहीं। नफा की बात नहीं है, देखिए मैं बोलता हूँ कि जनता का निर्णय शिरोधार है, प्रजातंत्र में मतदाता भगवान होता है, मतदाता अपने विवेक से सोचेगा और वो इस बात को अच्छी तरह सोच रहा है। ये जो कह रहे हैं ना कि लोगों ने आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं कि हम सुबह कुछ करेंगे शाम को कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज का मतदाता जागरूक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पावरफुल है, आपको सुन रहा है, हमको सुन रहा है, सोशल मीडिया पावरफुल है, हर मतदाता जागरूक है। और आने वाले समय में जिस व्यवस्था से सीएम चुना जाता है, जिस व्यवस्था से पीएम चुना जाता है, फिर हम क्यों उस पर सवाल उठाएं? भाई पार्षद जीतेंगे, पार्षद अध्यक्ष चुन लेंगे, या फिर वो जो पहले 20-22 साल जो पीढ़ी ने देखा कि साहब ऐसे होते हैं चुनाव, वो उनके लिए नया अटपटा होगा, कैसे देखते हैं? मतलब ठीक हो रहा है या क्या 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 कहेंगे लास्ट कमेंट? देखिए जो भी है ये है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान ने जो अधिकार दिए उसमें ही हो रहा है। बस एक चिंता की बात है कि इससे कोई सुप्रीम कोर्ट या कहीं रिट ना लगा दे कि वापस से इसी के ऊपर और फिर से चुनाव टल जाए, ये बस बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और एक ज्यादा बड़ी बात ये है कि कई बार आपने देखा हो कई शहरों में कोई अच्छे डॉक्टर होते हैं, समाजसेवी होते हैं,
या जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं और वो अगर मेयर बनना चाहेंगे तो वो सपना उनका खत्म हो गया, क्योंकि उनको सबसे पहले किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, पार्टी में पहले दरी उठानी पड़ेगी। मेयर के लिए तो अभी भी मौका है राजेश जी, मेयर तो बन सकते हैं लेकिन वो नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं छोटी छोटी जहाँ पे लोगों ने बहुत काम किए हैं पर वो बिना पॉलिटिकल एफिलिएशन के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये बहुत बड़ा, ये लोकतंत्र के साथ ज्यादा बड़ा मजाक होता है। ये ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, और ब्रजगोपाल जी आपका शुक्रिया, योगेश जी आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के नई चुनाव प्रणाली से होंगे चुनाव निकाय के, लेकिन दोनों जगह अलग अलग, यानी महापौर तो जनता चुनेगी लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों में पार्षद को पावरफुल बनाया जा रहा है। अब देखना है कि इसके क्या परिणाम सामने आते हैं, चुनाव क्या हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी हो सकता है आपत्तियां फिर आ जाएं सामने। सब पर रहेगी नजर, फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।